अबे ओ योवासी, राहुल, योगी, मैं तुम तीनों को यहाँ पर बुला कर लाया था मेरा गेहूँ काटने के लिए, लेकिन तुम तीनों तो आकर बैठ गया, काम नहीं कर रहे हो, मेरा गेहूँ काट नहीं रही हो। आज बारिश होने वाला है, उससे पहले मेरा जितना भी गेहूँ है मेरा खेत पर पूरा काट के साफ करो, पूरा लेकर जाना है मेरा घर। तो बारिश होगा तो फिर बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाएगा, जल्दी जल्दी काटो मेरा गेहूँ, काम चोरी मत करो। तुम तीनों को मैं पैसा देकर किराए पर लेकर आया हूँ गेहूँ कटवाने के लिए, तुम तीनों काम चोरी मत करो। अरे मोदी भाई, गेहूं काटने में तो फट जाता है मेरा, इतना धूप हो रहा है यहाँ पर, सूखा खेत पर बैठ कर गेहूं काटने में मेरा तो फट जाता है। मोदी भाई, मैं जा रहा हूँ, मेरे को किराया फिराया कुछ नहीं चाहिए, मेरे को गेहूं काटना तो ठीक से आता ही नहीं, तुमने मेरे को क्यों पकड़ कर लाया, मैं गेहूं नहीं काटूंगा, मैं जा रहा हूँ मेरा घर। ओ मोदी चाचा, मैं भी जा रहा हूँ मेरा घर, मैं भी तुम्हारा गेहूं नहीं काटूंगा, इतना धूप हो रहा, शरीर में पसीना निकल जाता है, गेहूं काटने में मजा नहीं आता है। मोदी चाचा, 300 रुपया दे रही हो एक दिन का 300 रुपया बहुत कम है मोदी चाचा, अगर 400 रुपया देगा तो बोलो मैं तुम्हारा गेहूं काटूंगा, 300 रुपया में मेरे को पड़ नहीं रहा है मोदी चाचा, मैं जा रहा हूं मेरा घर। अरे मोदी भाई, तुमने ये दोनों भिखारी को क्यों बुला कर लाया है गेहूं काटने के लिए, काम चोर है ये दोनों तुम्हारा गेहूं काटना नहीं चाहते है, ये दोनों खाली पैसा लेने के लिए आया है, काम नहीं करना चाहते है, काम चोर है, भगाओ ये दोनों को, हम दोनों मिलकर पूरा गेहूं काट कर लेकर जाएंगे, ये दोनों कामचोर को भगाओ मोदी भाई। अरे नहीं योगी बाबू, इतना सारा गेहूं है हम दोनों काट नहीं पाएंगे, राहुल बाबू, ओवासी बाबू, ठीक है मैं तुम दोनों को 400 रुपया दूंगा एक दिन का किराया, और शाम को एक एक दारू पिलाऊंगा, मगर तुम दोनों मेरा खेत पर जितना भी गेहूं है पूरा काटो दिन भर। ठीक है मोदी चाचा, मैं भी तुम्हारा गेहूं काटूंगा, ओवासी चाचा भी तुम्हारा गेहूं काटेंगे, हमको आज शाम को एक एक देसी दारू पिलाने का और 400 रुपया देने का हमको किराया मोदी चाचा, हम आज तुम्हारा पूरा गेहूं काट कर तुम्हारा घर तक लेकर पहुंचा देंगे मोदी चाचा।